वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति। आप देख रहे हैं प्रीति श्रीवास्तव स्टाइल मुंबई चैनल। आज मैं आपको लौकी के जूस के ऐसे बेहतरीन फायदे बताऊंगी गाइस। अगर आप इसको पीते हैं तो आपके 15 बीमारियां वो शरीर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको लौकी के जूस पीने से फ़ायदा हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहली जो बीमारी होती है गाइस वो होती है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमेशा हम लोग दवा खाते रहते हैं लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है और उसकी दवा खाने से साइड इफेक्ट जो होता है शरीर में अलग बनते रहता है। अगर आप लौकी के जूस को अगर आप पीते हैं तो इससे आपके ब्लड प्रेशर जो होता है धीरे 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 करके वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप पियेंगे लौकी का जूस तो आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। देन मैं सेकंड बात करती हूँ कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो इतनी ख़राब होती है गाइस कि अगर आप इसका देखिए पहले तो इसका चेकअप भी इतना ज़्यादा होता है कि महीने में 3-4 बार चेकअप होता है। चेकअप से भी क्या होता है शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, तो जिससे भी अलग अलग तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए, क्योर करने के लिए आपको लौकी के जूस को प्रॉपर तरीके से डेली आपको पीना पड़ेगा, तभी आपके कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। देन मैं थर्ड बात करती हूँ फैटी लीवर की। जी हाँ, फैटी लीवर की बीमारी तो आजकल बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है क्योंकि खान पान ऐसा हो गया कि लीवर में सूजन होना, फैटी होना, हर तरीके से मतलब लीवर को डैमेज करने के लिए वो बना ही रहता है। इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने खान पान पर नियंत्रण यह अच्छा रखना पड़ेगा। देन इसके बाद लौकी का जूस आपको प्रतिदिन सेवन करना पड़ेगा। अगर आप लौकी के जूस का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपका इससे भी फैटी लीवर में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और हमेशा के लिए ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी आपके शरीर से। देन मैं आपको चौथा बताती हूँ गैस की, हार्ट की प्रॉब्लम। जी हाँ, आजकल तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करना है तो आपको लौकी का जूस प्रतिदिन नित्य आपको सेवन करना पड़ेगा। इससे हार्ट की जो भी ब्लॉकेज है, जो भी हार्ट की जितनी परेशानियाँ हैं ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। देन मैं आपको फिफ्थ बताती हूँ होमोग्लोबिन। जी हाँ, लौकी का जूस पीने से आपको होमोग्लोबिन की जितनी भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके शरीर में होमोग्लोबिन नहीं बनता है या कम है तो आप प्रतिदिन सुबह लौकी का जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए। देखेंगे आपका धीरे धीरे शरीर में होमोग्लोबिन भी बनना स्टार्ट हो जाएगी और उस नियंत्रण भी रहेगा खून में, जो भी रहता है वो खून आपके शरीर में ठहरेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो आप हीमोग्लोबिन को अच्छा करने के लिए गाइस आप प्रतिदिन प्लीज़ आप लौकी का जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं देन बताती हूँ सेकंड आप देन आपको बताती हूँ स्किन प्रॉब्लम। जी हाँ, स्किन प्रॉब्लम भी इससे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अगर कहीं भी शरीर में खुजली है या कोई किसी तरह की जो प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो आप लौकी का जूस पीने के साथ साथ इसको आप उस जगह पर लगाना भी शुरू कर देंगे ना गाइस, तो आप उससे भी ठीक हो जाएगा। उसको लगाने का तरीका यही है कि आप चेहरे पर लगाने के लिए सिर्फ लौकी के जूस को लगा सकते हैं। अगर बॉडी में लगाना है तो नारियल का तेल मिला के लगा सकते हैं। इससे जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम होगी ना, धीरे धीरे उससे भी खत्म हो जाएगी। देन मैं आपको सेवन बताती हूँ एसिडिटी। जी हाँ, एसिडिटी तो उससे भी क्या होता है, खान पान से बहुत ज़्यादा एसिडिटी, खट्टी ढकारे, जलन सीने में बनी रहती है, तो जो बहुत दिक्कत करता है शरीर में। तो आपको क्या करना चाहिए उससे, उसके लिए भी लौकी का जूस ठंडा होता है तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में लौकी के जूस को आप पी सकते हैं। इससे भी आपकी खट्टी ढकारे, एसिडिटी, जितनी भी जलन जो समस्या गले में तकलीफ जो होती है जलन के कारण, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो आप एसिडिटी की समस्या पर समाधान पा सकते हैं। देन मैं आपको बताती हूँ लौकी के जूस पीने से गाइस इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आपके फर्स्ट स्टेज का जो कैंसर होता है ना, वो भी धीरे धीरे इससे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लौकी के जूस को प्रॉपर तरीके से नित्य प्रतिदिन आपको इसके लिए पीना पड़ेगा, तभी जाके उसका फ़ायदा मिलेगा। देन मैं आपको बताती हूँ शुगर। जी हाँ, शुगर भी लौकी के जूस को पीएंगे तो शुगर की बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पोटेशियम, फाइबर इतने ज़्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं कि शुगर को भी क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ये सहायक होता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन इस लौकी को जूस को पिएंगे तो शुगर की समस्या भी आपके शरीर से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।
देन मैं बात करती हूँ मोटापा। जी हाँ, मोटापा भी लौकी का जूस अगर सुबह मॉर्निंग के टाइम में अगर आप पीते हैं तो आपका वजन भी धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगा, धीरे धीरे खत्म उसका जो वजन की जो समस्या है, मोटापे की जो समस्या है उसमें भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन मैं आपको बताती हूँ बवासीर। जी हाँ, बवासीर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है मल के समय, बहुत कभी ब्लड आता है या कभी सूखा बवासीर भी हो जाता है या खुजली होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को हो जाती है। तो आपको बवासीर ठीक करने के लिए गाइस आपको लौकी का जूस अगर आप पीते हैं तो इससे बवासीर की जितनी भी समस्या है, चाहे ब्लड वाली चाहे सूखी वाली, तो आपको उससे धीरे धीरे इससे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसका प्रतिदिन सेवन आपको कम से कम एक महीने तक करना पड़ेगा, तभी आपके शरीर से जितनी भी इस बॉडी की जो भी समस्या है उससे आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन मैं आपको बताती हूँ थायराइड। आजकल के देखिए लाइफ स्टाइल में जो आज हो गई है सबकी, उससे थायराइड की समस्या तो ये आम हो गई है गाइस। थायराइड की समस्या खत्म करने के लिए आपको लौकी का सेवन, जूस का सेवन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको इससे आराम मिलेगा और फायदा मिलेगा। तो आपको डेली आपको जूस पीना है जिससे आपकी थायराइड की समस्या जो भी होगी, गले में सूजन की समस्या, मोटापे की समस्या, देखिए थायराइड से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है शरीर में, तो अगर आप उसे पीते हैं तो उससे भी आपके थायराइड की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और मैं आपको देन आपको बताती हूँ कब्ज की शिकायत। जी हाँ, देखिए कब्ज की शिकायत हो जाती है लेट नाइट तक खाना, देर रात तक जगना, जिससे जिसकी वजह से आपको कब्ज की समस्या बनी रहती है। तो कब्ज की समस्या दूर करने के लिए सुबह मॉर्निंग में आपको लौकी का जूस का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपकी कब्ज की समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जितने भी जो तरह के कब्ज होते हैं ना, कि बहुत प्रॉब्लम होती है कब्ज में, तो वो भी धीरे धीरे से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन मैं आपको बताती हूँ वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ, वायरल इन्फेक्शन भी इससे आपको ख़त्म हो जाते हैं। जितने तरह के वायरल इन्फेक्शन शरीर में आ जाते हैं यहाँ वहाँ से, आपको उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और देन आपको सर्दी जुकाम। जी हाँ, सर्दी जुकाम की समस्या जो आपको लगी रहती है हर समय, जिसके कारण से आपका सर में दर्द बना रहता है, तो आप क्या करेंगे, लौकी के जूस को अगर आप पीते हैं तो इससे आपको सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा पहुँचाने का काम करता है। देन मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट है गुर्दे की पथरी। जी हाँ, गुर्दे की पथरी देखिए ठीक करना तो बहुत मुश्किल है और उसकी दवा खाना भी साइड इफेक्ट ही होता है। तो अगर आप लौकी का जूस अगर सेवन करते हैं तो गुर्दे की पथरी क्या होती है, धीरे धीरे बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाती है, यूरिन के रास्ते से गुर्दे की पथरी पिघलना शुरू हो जाती है और निकलना भी शुरू हो जाती है। अगर आप डेली लौकी का सेवन करते हैं जूस का, तो आपकी ये भी समस्या भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। तो चलिए आपको देखिए मैंने 15 ऐसे बीमारियां बताई हैं जिसको आप लौकी का सेवन जूस का करते हैं तो आपको देखिए 15 बीमारियां आपके हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी, हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगी, हमेशा के लिए इसके समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, नित प्रतिदिन इसको अपने लाइफ स्टाइल में आपको ये लौकी का सेवन और जूस का सेवन करना पड़ेगा। तो गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ लौकी का जूस कब कब पीना चाहिए। लौकी का जूस को हमेशा सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ही पीना चाहिए और उसको खाली पेट आपको तुरंत ताज़ा ताज़ा निकाल के उसको ताज़ा ही पीना है। ऐसा नहीं कि सुबह आप निकाल लिए उसको, एक घंटा बाद आप उसको रख दिया आपने, फिर उसके बाद तब आप लौकी का जूस का सेवन कर रहे हैं, वो आपको फ़ायदा करने की जगह आपको उतना ही नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए जब भी आपको पीना हो, जब भी क्या मतलब, जब भी आपको खाली पेट ही पीना हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें लौकी का जूस को हमेशा अच्छे से उसको साफ तरीके से निकालिएगा, कभी भी कोई हाइजीन की उसमें देखिएगा कोई समस्या ना हो, हाइजेनिक ना हो, उसको क्लीन करके अच्छे से बर्तन में साफ सुथरे तरीके से लौकी के जूस को निकालिए, उसके बाद आप इसको पीजिए, तभी जाके वो आपको फायदा पहुंचाएगा। तब उसको आप सुबह सुबह भी खाली पेट पी सकते हैं और शाम को भी आप सूर्यास्त से पहले आपको लौकी के जूस का सेवन कर लेना चाहिए, ताकि आपको जो अगर रात में अगर आप पियेंगे तो हो सकता है आपको सर्दी जुकाम की या अन्य समस्या आपके शरीर में आ जाए, इसीलिए आपको लौकी के जूस का सेवन सुबह और शाम को कर सकते हैं, तो अभी आपको ये फायदा करेगा। तो इस तरह से अगर आप लौकी का जूस पीते हैं तो आपको ये फायदा पहुंचाता है गाइस। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि लौकी के जूस में क्या क्या मिला के आप पी सकते हैं। तो सबसे पहला है देखिए गाइस, नींबू मिला के आप लौकी के जूस को पी सकते हैं, क्योंकि स्वाद भी थोड़ा इसका फीका सा रहता है ना, तो समस्या के अपने हिसाब से आप इसमें अलग अलग तरह की चीज़ों को डाल के आप अपनी समस्या के हिसाब से इसको पीना शुरू कर दीजिए, देखिए इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो सबसे पहला आप मिला सकते हैं इसमें नींबू, अगर आपको मोटापे या जो भी मैंने बताया है तो आप उसी हिसाब से नींबू डाल के पीजिए, देखिए इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा।
लगेगा। देन आपको आपको मिला सकते हैं इसमें सेंधा नमक। सेंधा नमक अगर मिला के आप पीते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। देन आपको मैं बताती हूँ एलोवेरा, एलोवेरा भी मिला के आप लौकी के जूस में पियेंगे उससे भी आपको दुगना ये फल देगा। देन आपको मिलाना है आंवले का जूस, जी आंवले का जूस भी मिला सकते हैं, वो भी आपको बेनिफिट पहुँचाने का पूरा काम करेगा। देन आपको उसमें पुदीना के पत्ती डाल सकते हैं या पीस के भी डाल सकते हैं, उसको पत्ती पुदीना की पत्ती को तोड़ के भी डाल सकते हैं, वो भी आपको फायदा देगा। देन मैं आपको बताती हूँ काली मिर्च, जी हाँ काली मिर्च का पाउडर बना के आप रख लीजिए और डेली आप इसको पीना शुरू कर दीजिए, देखिए वो भी आपको बहुत अच्छा ये फ़ायदा करेगा। देन है काला नमक, जी हाँ काला नमक अगर आप पीते हैं उसमें डाल के तो भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा पहुँचाता है। देखिए मैंने आपको सब तरीके से बता दिया कब पीना चाहिए कैसे पीना चाहिए और अब आप इसको पीना शुरू कर दीजिए, देखिए आपकी कितनी सारी बीमारियों का समाधान लौकी के जूस से आपको मिल जाएगा। आई होप सो गाइस कि आपको ये मेरा ये वीडियो लौकी के जूस के अद्भुत फायदे के आपको समझ में आया होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी लगा होगा और आपको पूरी तरीके से इसको अपनाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए कि जैसे ही मैं कोई बेनिफिशियल वीडियो डालूंगी आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान दें रखें, बाय बाय, टेक केयर गाइस।